दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ट्रेडर राम। निफ्टी ट्रेडर राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये अभी वीकली एक जो है एंड हो गया, यानी अब जो नेक्स्ट एक्सपायरी होगा वो मई मंथ का मंथली एक्सपायरी होगा और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपायरी है, क्योंकि उसके बाद जस्ट ये लोकसभा इलेक्शंस का नेक्स्ट वीक में आपको रिजल्ट आने वाला है। तो ये वीक और आने वाले वीक बहुत ही क्रूशियल है स्टॉक्स मार्केट के लिए, लेकिन वो पहले पता चल जाता है कि मार्केट में क्या होने वाला है। अगर आप डेटा को ट्रैक करेंगे तो पहले पता चल जाएगा। तो आज मैं कुछ यहाँ पर टिक्स बताऊंगा कि कैसे आपको पहले देखना है, पहले चीज़ें कैसे देखना है कि ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आप अगर चाहें तो उसके लिए बेस पे पोजीशन बना सकते हैं या फिर अपनी खुद की एनालिसिस में ऐड कर सकते हैं उस चीज़ों को, जिससे आप क्या है सब कुछ क्लियर पता चल जाएगा। तो चलिए, हमने कल इसकी शुरुआत की थी कि FII ने किसको चिपकाया अपना माल, यानी FII क्या कर रहे हैं अभी, अपना माल चिपकाओ अभियान शुरू कर दिए हैं। जो भी उनके पास माल है, माल आप कुछ और मत समझिएगा आप लोग, वो चिपका रहे हैं, यानी जो भी अपना स्टॉक शेयर है वो चिपका रहे हैं। ठीक, तो किसको चिपका रहे हैं ये डेटा में आपको कैसे पता चलेगा, इस चीज़ों की हम लोग थोड़ा सा तहकीकात करेंगे और उसके तह तक जाएंगे, जिससे आप क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, ये चीज़ आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो आप अगर नए हैं तो ज़रूर लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को, जरूर आपको अच्छा लगेगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा डेटा के ऊपर। मैं यहाँ पे आपको डिटेल एनालिसिस में लेके आऊँगा। मैंने बात की थी कुछ दिन पहले, FII यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा था लेकिन वो शॉर्ट कर रहे थे। अगर आप देखें यहाँ पे FII जब मार्केट ऊपर जा रहा था 22,200, इससे पहले भी आपको 21,958 जो 9th मई का था वहाँ पे वो क्या कर रहा था, शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर रहे थे। 63,000 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनाई। इससे पहले उनका 13% शॉर्ट था, अब यहाँ पे 19% 20% यहाँ पे ये 30% आ गए थे, जबकि यहाँ 210,000 से यहाँ लगभग दुगना इनका क्या हुआ था शॉर्ट। मार्केट वहाँ से लगभग 200 पॉइंट्स ऊपर आया। इसके बाद और मार्केट ऊपर आया 22,400, 22,598, 22,957 यहाँ पे क्लोजिंग दिया, यानी मार्केट एकदम टॉप पे यहाँ लगभग जहाँ से उन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनाई 1,000 पॉइंट ऊपर। अब आप खुद समझिए कि आप अगर एक बाइंग या फिर एक सेलिंग करके गए हैं, शॉर्ट करके गए हैं फ्यूचर में, मार्केट 1,000 पॉइंट ऊपर जा रहा है तो आपको कितना लॉस हो रहा होगा, आप वहाँ पर कितना सस्टेन करेंगे, कि आपके पास इतना पैसा है कि आप उसको सस्टेन करेंगे, और सस्टेन करेंगे भी तो क्या आप टॉप में ले आकर सेल करेंगे, टॉप में उसको ले आकर अपनी पोजीशन क्लोज करेंगे। आप देखें यहाँ पे 22,500 के ऊपर क्लोज किया गया, 22,968 के ऊपर, आज भी 22,957 के ऊपर क्लोज किया गया पोजीशन। यानी आपने जो भी शॉर्ट पोजीशन बनाई उसमें से आप अगर डेटा को देखें तो ये 70,000 और इधर यानी 83,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आपने टॉप में क्लोज किया है, यानी एक लॉस में क्लोज किया, और वहां पे आपने एक अच्छा सा लॉन्ग पोजीशन बनाया 86,000 कल, 47,000 आज लॉन्ग पोजीशन आपने बनाई, यानी आप यहां से और बुलिश हो रहे हैं। अगर मैंने लॉन्ग पोजीशन बनाई तो आप अगर ये डेटा देखेंगे तो यही होगा कि FII तो यहाँ से और बुलिश हो रहा है, यानी मार्केट यहाँ से लगभग 1,000 पॉइंट और ऊपर जाएगा। लेकिन आप जस्ट उसके नीचे के एनालिसिस से ये भूल रहे हैं कि भाई इसने तो शॉर्ट पोजीशन बनाई थी लेकिन मार्केट ऊपर गया, तो इसके अपोजिट हो सकता है कि जब ये मार्केट में लॉन्ग पोजीशन बन रहा है तो मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन किस बेसिस पे नीचे जाएगा, यानी इस यहाँ पे ये हो सकता है कि उसने जब अगर शॉर्ट पोजीशन बनाई हो यहाँ से यहाँ तक जखें जब 22,958 से लेके यहाँ तक जब शॉर्ट पोजीशन बनाई हो तो उसने कॉल बाई किया हो, ये पोजीशन एक सिनरी हो सकता है कि हाईवी क्वांटिटी में 10x कॉल बाई किया हो। ये मैं ऑलवेज अपने वीडियो में बताता रहा हूँ कि जब भी वो शॉर्ट पोजीशन बताता है एक बहुत ह्यूज अमाउंट में कॉल बाई करके जाता है, लेकिन वो कॉल बाई आपको दिखेगा कहाँ, उसकी भी मैंने वीडियो बना रखा है जो हमारे आपको बेसिक ऑप्शन चेन के प्लेलिस्ट में है, वहाँ पर आप जाके देखिए पता चल जाएगा। थोड़ी सी हम इसको एंड में भी डिस्कस करेंगे कि कैसे पता चलेगा। अब इनके पास शॉर्ट पोजीशन क्या है, ओनली 2%, यानी उन्होंने शॉर्ट पोजीशन लगभग क्लोज कर दी, लॉन्ग पोजीशन इंसर्ट किया। देखिए यहाँ पे 1,87,176, 2,62,310,000 शॉर्ट उन्होंने क्या किया, 4,03,90,000, 3,00,000, यानी लगभग 1,00,000 शॉर्ट पोजीशन क्लोज कर दिया, लॉन्ग पोजीशन इंसर्ट किया। तो ये मार्केट का टॉप है। कैसे टॉप है कि भाई जब ये शॉर्ट पोजीशन बना रहे थे
मार्केट टू पर जाना था, ये कॉल बाई कर रहे थे जब ये यहाँ पे लॉन्ग पोजिशन बना रहे हैं, यानी आपको फ्यूचर में अगर बाई कर रहे हैं तो ये पुट बाई करेंगे, इसलिए पुट बाई कर रहे होंगे तभी मार्केट नीचे आएगा, क्योंकि इनकी पोजिशन हेज होती है। अब यहाँ पे कौन बाई कर रहा है, कौन शॉर्ट कर रहा है, तो देखिए जो फ्यूचर में रिटेल ट्रेडर हैं वो प्रॉफिटेबल होते हैं। कैसे, अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि कैसे प्रॉफिटेबल होते हैं फ्यूचर में जो रिटेल ट्रेडर, जो भी लॉन्ग किए हैं, इनके पास पोजीशन बहुत ज़्यादा चेंजमेंट नहीं है। 386,000, 431, 509,000, यानी यहाँ से 1,00,000 पोजीशन बना, 21,958 था, 22,957,000 पॉइंट ऊपर गया, तो भी इनके पास लगभग पोजीशन 451,000 ही रहा, यानी 50,000 पोजीशन और क्लोज हो गया जो यहाँ पे क्लोज हुआ, तो ये थोड़े से प्रॉफिटेबल रहे। शॉर्ट पोजीशन भी उनके पास ही था, ये लॉन्ग पोजीशन 33%, 21%, 7%, यानी यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अपनी लॉन्ग पोजीशन क्लोज नहीं किया, उन्होंने शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर दिया ऊपर में टॉप में, 19,000 शॉर्ट, 15,000, 52,000, 51,000 आज। यानी हमारे रिटेल ट्रेडर जो भी हमारे भाई, बड़े भाई लोग, छोटे भाई लोग, इन्होंने क्या किया, फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशन बना दी, ये इन्होंने अच्छी पोजीशन बनाई है। लेकिन जो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं, अब उनका क्या होगा, मार्केट तो यहाँ से नीचे आ जाएगा, तो अगर आप भी इसमें हैं तो प्रोफेशन बुक कर लीजिए लॉन्ग का, क्योंकि मार्केट का हमारे हिसाब से टॉप बन रहा है ये, और हमने ये पहले ही इंडिकेशन दे दिया है। अब एक और बड़ा प्लेयर है उसकी हम बात करेंगे, DI यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन कैरी कर रहा है 2%, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन है लगभग 14,000 से। लेकिन प्रो क्या कर रहा है, अगर प्रो की आप यहाँ पे बात करें तो प्रो के पास अभी लगभग शॉर्ट पोजीशन है कितना, 35,000, जो कि आज उसने 22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बनाई है, फ्रेश शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग उसके पास 79,000, शॉर्ट 1,15,000, तो ये बेरिश हो रहा है। यही डेटा अब हम ऑप्शंस में भी देखेंगे, तो चलिए अब मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ इसके पीछे का लॉन्ग शॉर्ट, शायद आप लोग समझ रहे नहीं हो, तो मैं बेसिक से, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं बेसिक से वीडियो दोस्तों एक सीरीज कर दूंगा इसका, बेसिक से जितना ज़्यादा अगर मेरे पास कमेंट आएगा, अगर 100 कमेंट्स आ गया तो मैं बेसिक से, इनिशियल से कैसे बनाते हैं, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, मैं एक एक चीज़ बताऊंगा आपको। लेकिन कमेंट होना चाहिए इस वीडियो पे, लाइक्स कम से कम 500 लाइक्स और 100 कमेंट्स, तो 100% मैं इस चीज़ को कैसे बनाते हैं, एक एक डेटा कैसे एनालिसिस करते हैं, आपके लिए मैं मेहनत करूँगा, लेकिन आप ज़रूर यहाँ पर थोड़ा सा जोश दिखाइए अपना और शेयर ज़रूर करिए। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि अब यहाँ पे क्या सिनेरियो चेंज हो रहा है। 22,953 मैंने बात किया था कि 23,000 मार्केट टच करेगा, आज ही हमने बात की थी, उसको भी हम दिखाएंगे। रिटेल ट्रेडर के पास अब जो 241,000, 232, 1,24,000, 66,000 कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ लॉन्ग बचा, यानी इन्होंने शॉर्ट पोजीशन अपनी बना ली। रिटेल ट्रेडर यहाँ पे फ्यूचर में बेयरिश हो रहे हैं। FII 211,000, 2,90,000, ये शॉर्ट पोजीशन रेट देख रहे हैं, 98,15,000, यानी अगर यहाँ पे आप लेमन टर्म डेटा देखें तो FII तो बुलिश हो रहा है, लेकिन नहीं, आप इस डेटा को ऐसे समझिए कि ये दिखाने के हैं, इनके खाने के दांत कुछ और हैं, समझ रहे हैं ना, ये दिखावे में बुलिश हो रहे हैं, ये इससे 10x पुट बाई कर रहे हैं, और जब पुट बाई कर रहे हैं तो फिर मार्केट कितना गिरेगा आप समझ जाइए, खुद समझदार हैं, नहीं समझदार हैं तो मैं आपको हिंट दे दिया दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि आप क्या एनालिसिस कर रहे हैं। प्रो यहाँ पे इसने अपनी लॉन्ग पोजीशन बुक कर लिया और शॉर्ट इनिशिएट कर दिया, प्रो भी बेयरिश, FII बुलिश, DII बेयरिश है, और रिटेल ट्रेडर भी बेयरिश बैठा हुआ, यानी FII यहाँ पे बुलिश हो रहा है। FII अगर बुलिश हो रहा है फ्यूचर में तो फिर क्या होगा, कमेंट करिएगा। चलिए यहाँ पे स्टॉक्स फ्यूचर में 38% रिटेल ट्रेडर बुलिश, यानी अपनी पोजीशन इन्होंने बरकरार रखा है। DII 51% बेयरिश करके बैठा हुआ है। FII 7% वही है, 6% प्रो, थोड़ी सी इसने अपनी पोजीशन शॉर्ट बनाई है, यानी FII प्रो यहाँ पे स्टॉक्स फ्यूचर में भी पोजीशन बेयरिश कर रहा है। मेन अब इंडेक्स जो है आपको इसकी जो है पोजीशन आपको आते हैं ऑप्शन इंडेक्स का, इसमें दो चीज़ होता है, कॉल, कॉल के दो पार्ट, बाई एंड सेल, पुट, पुट के भी दो पार्ट होते हैं यहाँ पे, बाई एंड सेल। तो थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि अगर जो कॉल बाई करके गया है और पुट सेल करके गया है वो उसका क्या है, बुलिश भी हुए, और अगर कॉल सेल करके गया है कोई और पुट बाई करके गया है तो वो इसका बेयरिश भी हुए, इस चीज़ों का आप याद रखिए। कॉल सेल मीन्स कॉल राइट, और बाई मीन्स तो आपको पता ही है।
अब यहाँ पे आप फोकस करिए कि 54,000 कॉन्ट्रैक्ट्स रिटेल ट्रेडर के पास बाइंग है, 54,93,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, 56,44,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल भी है। तो इनके पास नेट टू नेट कितना सेल है, 1,50,000। लेकिन आज उन्होंने क्या किया, आज अगर आप यहां देखें तो 19,04,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने क्या किया, कॉल बाई किया, कॉल बाई किया, और सेल कितना कॉल किया, 16,89,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी 2,14,000 कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रेश यहां पे कॉल की बाइंग की गई, फ्रेश यानी यहां पे फ्रेश पैसा आया, आज पैसा आया। तो ये क्या है, बुलिश है, यहां पे बुलिश है। और पुट साइड 11,59,000 पुट बाई किया गया, 11,10,000 पुट सेल भी किया, यानी पुट साइड बहुत ज़्यादा पोजिशन नहीं है, ओनली 48,000 पुट बाई हुआ। जो थोड़ा स्मार्ट रिटेल ट्रेडर हैं, स्मार्ट टाइप, जो थोड़ा डेटा को स्टडी करते हैं, बाकी यहाँ पे उनको लगता है कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट कर जाएगा, गलत फहमी में मत रहिए, ये स्मार्ट है यहाँ पे। इसके पास 4 लाख जो है, 4,14,000 अभी भी पुट की सेलिंग है, यानी यहाँ दोनों साइड से ये बुलिश है। रिटेल ट्रेडर DI पुट में बाई करके गया है, 2,07,000 पहले से इसके पास पोजीशन पड़ा हुआ है। FII ने क्या किया, आज 3,99,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल की बाइंग की, सेलिंग 4,33,000, यानी थोड़ी सी ज़्यादा, 34,000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्या कॉल की, सेलिंग की। पुट साइड 3,21,000 पुट की बाई, सेलिंग 3,71,000। अब यहाँ पे देखिए आप अगर इस दोनों डेटा को देखेंगे तो लगेगा कि FII यहाँ पे सेलिंग ज़्यादा किया है तो मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन दोस्तों वो सेलिंग कौन से स्ट्राइक प्राइस पे किया है और बाइंग कौन से स्ट्राइक प्राइस किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सपोज दैट कि अगर उसने 22,800 के पास पुट बाई किया हो ATM के आसपास और सेलिंग कर दिया हो 21,500 के पास, तो ये तो आपको डेटा में दिखेगा ही कि भाई सेलिंग किया है, लेकिन वो उसने अपनी पोजीशन हेजिंग के लिए किया है जो मार्केट को सपोर्ट कर सके, उसको और प्रीमियम मिल सके, उसकी मार्जिन मिल सके। और यही सब चीज़ें हम अपने क्लास में सीखते हैं लाइव में ऑप्शन चेन में कि कहाँ पे वो मार्जिन ले रहा है, जिसके नेक्स्ट जो बैच है 26 मई से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, 26 मई यानी फोर्सों से आप ज्वाइन करिए, उसमें बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नंबर है, संपर्क कर सकते हैं उसके लिए। तो ये डेटा आपको इंडिकेशन कर रहा है कि यहाँ पे सेलिंग हुई है 46,000 की, लेकिन नहीं, इस भ्रम में रहिए, इनकी ये वाली पोजीशन जो फ्रेश बाइंग की है और ये हेजिंग के पोजीशन है, यानी यहाँ पे FII क्या है, बेयरिश पोजीशन कर रहा है। और प्रो प्रो के पास जो कॉल की बाइंग थी उसने क्लोज कर दी, ओनली 7,000 रह गया। आप देखें नेट टू नेट इक्वल पोजीशन इनके पास है, और पुट साइड अभी आप देखें तो पुट की सेलिंग थोड़ी सी 1,06,000 है, यानी पुट की सेलिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, आज उन्होंने पोजीशन को ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़े से भी पोजीशन ये कैरी करना है। जैसे ये पुट की सेलिंग की पोजीशन क्लोज कर देगा मार्केट और नीचे गिर जाएगा, प्रो यहाँ पे भी न्यूट्रल है, तो मार्केट में थोड़ा सा ही एक दो दिन और पोजीशन होल्ड होगा, इवन इस एक्सपायरी तक हो सकता है। आप वेट करिए एक और दो दिन का और डेटा का, फिर देखिए मार्केट में क्या होता है। ओवरऑल मैं ये मार्केट का हमारे सबसे टॉप हो रहा है, मैक्सिमम अपसाइड कहाँ पे होगा अगर उसकी बात किया जाए तो मैं थोड़ा सा एक आपके साथ चार्ट खोल लेता हूँ थोड़ी सी, ताकि वो पता चल जाए हमें मैक्सिमम अपसाइड के चांसेस कहाँ तक होंगे। दोस्तों डेटा हमें इंडिकेशन नहीं कर रहा है कि मैक्सिमम अपसाइड होगा। मैं निफ्टी का चार्ट आपके सामने खोलता हूँ, सिंपल चार्ट होगा। तो आप देखें ये जो 22,953 यहाँ से आज मार्केट ने टॉप बनाया, ऊपर जाएगा तो मैक्सिमम 23,300, इसके ऊपर अभी मार्केट नहीं है, इस चीज़ों को आप याद रखिए। यानी ये मार्केट का टॉप है और नीचे 22,800 अगर ब्रेक कर देगा सीधा 22,500, यानी यहाँ से लगभग 500 से 600 पॉइंट का गिरावट आएगा। ये गिरावट और भी नीचे हो सकता है जो डेटा इंडिकेशन कर रहा है, अभी फिलहाल डेटा बन रहा है। FII कैश में यहाँ पे थोड़ी आज सेल की है, बहुत ज़्यादा नहीं, DI ने बाइंग किया, तो कैश में इनकी सेलिंग चल रही है, अभी थोड़ा रुका हुआ है। अब ये सब कुछ देखिए हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आज अगर आप देखें तो मार्केट में बहुत ज़्यादा मैं एक्टिव नहीं था, मैं लगभग 11 बजे के करीब आया, निफ्टी विल टच 11,22,000, मैंने यहाँ पर मैसेज किया कि 22,000 निफ्टी टच करेगा आज, वहाँ से लगभग 4,250 पॉइंट ऊपर आया निफ्टी, लगभग आप देखें तो 22,946 के आसपास चल रहा था, 1046 के मार्सेस जैसे मैं आया। और 20,000 बोथ साइड बिग प्लेयर्स एक्टिव, कॉल साइडल हैवी,
मैंने यहाँ पे बताया भी कि कॉल साइड हेवी है, तो आपको अगर ऊपर में जा रहा है तो वहाँ पे क्या करना है, कॉल सेल करना है, ना कि कॉल बाई करना है, क्योंकि वहाँ पे हेवी दिखाया जाएगा आपको। और ये सब कुछ यहाँ पे डेटा में पता चल रहा था, मैं यहाँ पर आपको दिखा भी दूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए कि ये सब कुछ डेटा में पता चल रहा था। आप देखिए यहाँ पे जो हमारा न्यूट्रल 22,033 का जो न्यूट्रल पॉइंट था, मार्केट उसको रिस्पेक्ट किया, उसके बाद से नीचे आ गया। 22,967 का सपोर्ट था, उससे भी थोड़ा नीचे आया। और ये आपको कहाँ तक नीचे आया देखिए, हमने यहाँ पे मैसेज किया एक अपने एक जो प्राइवेट ग्रुप है यहाँ पे हमने कि 22,940 का टच निफ्टी 140-15 को, और मैंने यहाँ पे बोल दिया कि आज कोई ट्रेड नहीं करना है, मार्केट में वोलेटिलिटी नहीं है, सेंसेक्स आपको 100 पॉइंट्स टू 200 पॉइंट ऊपर जाएगा। और गया यहाँ पे सेंसेक्स बुलिश था, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी वहाँ पे बेरिश था। तो ये क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे पता चल जाता। और यही सब कुछ हम यहाँ पे सीखते हैं। देखिए 28 मई से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, आप इस नंबर पर संपर्क करिए, कल तक के लिए डिस्काउंट है। बाकी आपकी मर्जी कि आप सीखना चाहते हैं या लॉस करना चाहते हैं, ये सब कुछ आपके सामने है दोस्तों। आप जैसा सोच सकें उचित समझें अपने लिए, सीखना बंद नहीं करिए। मैं आपको जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, आप मुझे फॉलो कर चाहिए ना करिए, डेटा को जरूर फॉलो करिए, डेटा सब कुछ बताता है, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। डेटा को आप सीखेंगे, मार्केट में आप कामयाब होंगे। प्रॉफिट नहीं करेंगे तो लॉस तो नहीं करेंगे, आप समझ समझ के ट्रेड लेंगे, कहीं भी ट्रेड नहीं लेंगे दोस्तों। वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज का बना, ये चैनल आपको कभी प्रमोट नहीं करता है, किसी कहीं जाकर टिप्स लीजिए, किसी से बाय करिए, कहीं किसी से ये प्रमोट नहीं करता है। आप मेरे पास भी टिप्स के लिए मत आइए, सीखने के लिए आ सकते हैं आप, अगर आपके मन है तो, कैसे डेटा को एनालिसिस करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्लेमर आपको फिर से बताता हूँ कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के द्वारा है, यहाँ पे 100% मैं गलत हो सकता हूँ, तो आप मुझे बिल्कुल फोन करिए, अपने एनालिसिस को जरूर करिए, तभी अपडेट करिए। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में, माफ़ करिएगा, कल एक और एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।